Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. Now, students, as you know, this is your environmental study class, and today we will read class 4th Environmental Study Looking Around Volume 2nd. Okay. And students, chapter number 15 from market to home. Okay, and today we have to start from students, page number 124, and this is video second. Alright, video second of this chapter. So, let's start, students. Here, are some questions we have to find out. So, let's see. फाइंड आउट पता लगाइए गिवन हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच ऑफ़ दीज विल स्पॉयल अ लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम यू कैन एड मोर नेम्स इन द लिस्ट ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको क्या करना है गिव हेयर इज अ लिस्ट ऑफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पर आपको फलों और सब्जियों की एक लिस्ट दी गई है ओके okay, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है फलों और सब्जियों के कुछ नाम लिखे गए हैं कुछ सूची दी गई हुई है विच ऑफ दिस विल स्पॉयल अलिया तो इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको बताना है विच ऑफ़ दीज विल स्पॉयल अर्लियर स्पॉयल means सड़ जाना या खराब हो जाना तो इनमें से कौन से फल या सब्जी जल्दी अर्लियर मीन्स जल्दी खराब हो जाते हैं एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज और कुछ सब फल सब्जी जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं ओके और कुछ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनको आपको बताना है ओके राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम और आपको उनके नाम्स उचित कॉलम में उचित तालिका में ठीक जगह पर भरना है यू कैन एड मोर नेम्स इन द लिस्ट ओके आप इनके अलावा कुछ और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम अकॉर्डिंग द स्टेबल आप लिख सकते हैं राइट सो लेट्स फर्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम विच इज गिवन हेयर ठीक है चलिए पढ़ते हैं जो फल और सब्जियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन स्पेनिज ठीक है स्पेनिश मीन्स पालक पोटैटो पोटैटो मीस आलू बनाना बनाना मीन्स केला टोमैटो टोमैटो मीन्स टमाटर पीयर पीयर मीन्स नास्पाती चीकू दैट इज चीकू पाइनएपल अनौकी ओके अनियन प्याज कैबेज कैबेज मीस पत्ता गोभी ओके या बंद गोभी पत्ता गोभी ओके एंड कुकुंबर कुकुंबर दट इज खीरा ग्रेप्स अंगूर ओके एंड जिंजर अदरक तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ फलों के नाम और कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि स्पेनिज पोटैटो बनाना टोमैटो पियर चीकू पाइन ऐप्पल गार्ड ऑनियन कैबेज कुकुम्बर ग्रेप्स जिंजर पालक आलू केला टमाटर पियर नाशपाती चीकू पाइन अनानास, अननास गॉड लौकी अनियन प्याज कैबेज पत्ता गोभी कोकुम्बर खीरा ग्रेप्स अंगूर जिंजर अदरक तो अब आपको स्टूडेंट्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है दो टेबल में आपको इनके नाम लिखने अकॉर्डिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली तो यहाँ पर वे फल और सब्जी आएंगे पिंक कलर की टेबल में जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ब्लू कलर की टेबल में स्टूडेंट्स वे फ्रूट और वेजिटेबल्स आएंगे जो कुछ टाइम तक वहाँ पर जो कुछ टाइम तक सेफ रहते हैं बचे हुए रहते हैं ठीक है इन कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियों के नाम हमें ब्लू टेबल में लिखना है सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स ओके फ्रूट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉयल क्विकली तो कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं ठीक है तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स टमेटो uh, हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं है ना सो यू कैन राइट टमेटो टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो एक या दो दिन में जो पके लाल टमाटर होते हैं वे क्या हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स और क्या चीज़ बनाना बनाना भी आपने देखा होगा कि बनाना अगर येलो पका हुआ है तो दूसरे दिन फिर और ज़्यादा गल जाता है ना ख़राब हो जाता है ब्लैकस हो जाता है इसके अलावा स्टूडेंट्स स्पेनिच पालक भी जल्दी ख़राब हो जाती है सराई एस पी आई एन ए सी एज स्पेन एज ठीक है पोटैटो लंबे समय तक रहता है टोमेटो ख़राब हो जाता है पियर लंबे समय तक रहता है चीकू भी कुछ लंबे समय तक रहता है पाइन ऐप्पल भी गाड भी लंबे समय तक रहती है अनियन भी लंबे समय तक कैबेज भी कोकुम्बर भी थोड़ा दो चार दिन रुक जाता है ठीक है ग्रेप्स और जिंजर ये भी क्या रहता है कुछ दिन रहते हैं ओके स्टूडेंट्स और अब बाकी जो रेस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी विल राइट इन दिस कॉलम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज डाउन स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन पोटैटो पीओ टी है, नाशपाती भी जल्दी खराब नहीं होती आलू भी जल्दी खराब नहीं होते चीकू भी स्टूडेंट्स जल्दी खराब नहीं होता ओके सी एच आई के ओ चीकू ऑलराइट पाइनएप्पल भी स्टूडेंट्स जल्दी खराब नहीं होता सो राइट डाउन पी आई एन ई पाइन ए पी पी एल ई पाइन ऐपल ठीक है ऐसे स्टूडेंट्स गार्ड भी जल्दी ख़राब नहीं होती लॉ की सोराइडाउन जी ओ यू आर डी गार्ड ठीक है ऐसे स्टूडेंट्स अनियन भी जल्दी ख़राब नहीं होता सोराईडाउन अनियन ओ एन आई ओ एन ठीक है कैबेज भी जल्दी ख़राब नहीं होता सी ए बी बी ए जी ई कैबेज ओके And then cucumber so write down C U C U M B E R cucumber Okay and grapes ठीक है, grapes भी जल्दी खराब नहीं होते. And ginger G I N G E R ginger. All right. So students again I am repeating some fruits and vegetables name. First one, fruits and vegetables that spoil quickly: tomato, banana, and spinach. Fruits and vegetables that can stay for some days: potato, pear, chiku, pineapple, gourd, onion, cabbage, cucumber, grapes, and ginger. All right, students. Now, next question some of these fruits and vegetables okay some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough from the list above put the names in the correct column okay so students here you have to tell some of these fruits and vegetables okay कुछ फल और कुछ सब्जियां आर स्मूथ टू टच ठीक है जिनको टच करके काफ़ी मुलायम स्मूथ लगता है काफी चिकनी भी लगती हैं ठीक है एंड सम आर रफ और कुछ हमें कैसी लगती हैं रफ यानी खुरदुरी लगती हैं ओके सो फ्रॉम द लिस्ट अबाउ तो ऊपर दी गई लिस्ट से पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम तो नीचे दी गई तालिका में उनको भरिए वे वेजिटेबल या वे फ्रूट्स जो छूने में चिकने सॉफ्ट लगते हैं मुलायम लगते हैं उनको आपको ब्लैक टेबल में लिखना है और जो खुरदुरे लिखना है खुरदुरे हैं उनको आपको येलो टेबल में लिखना है सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स तो आपने बनाना खाते समय आप बनाना की सरफेस को छूते हैं ना तो वो कैसे लगती है स्मूथ ठीक है सो राइट डाउन राइड बनाना बी ए एन एन ए बनाना ठीक है और उसके अलावा स्टूडेंट स्पेनिच आपने देखा होगा जब आपकी मम्मा स्पेनिज को साफ करती है पालक साफ करती है तो आपको कैसा लगता है वेरी सॉफ्ट ओके सो डाउन स्पेनिच एस पा पी आई एन ए सी एच स्पेनिच ओके एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स टोमैटो ऑल राइट टी ओ एम ए टी ओ टोमैटो ओके एंड नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स प्लम ठीक है आप एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स प्लम ठीक है एंड ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स ऑल राइट अब स्टूडेंट्स आपको जो हार्ड सरफेस लगती है अब हम उसके नाम लिखेंगे जो हार्ड सरफेस होती है तो हार्ड सरफेस में सरफेस में स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो पाइन ऐप्पल बहुत ही उसकी हार्ड सरफेस होती है है ना सो राइट डाउन पाइन एप्पल ठीक है एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स पियर नाशपाती पी ई ए आर पियर ऑल राइट थर्ड वन स्टूडेंट्स कैरेट कैरेट की भी खुरदुरी सरफेस होती है सी ए आर आर ओ टी कैरेट फिर हम लिख देंगे जिंजर जी आई एन जी ई आर जिंजर ऑल राइट right. उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कोकुम्बर उसकी भी थोड़ा हार्ड सरफेस होती है है ना उसमें थोड़े थोड़े कांटे से भी कभी लगे रहते हैं सो राइट डाउन सी यू सी यू एम बी ई आर कोकुम्बर ऑल राइट एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स गॉड ठीक है लॉकी G O U R D, all right, गॉड गॉड means लॉकी इसके अलावा हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स गार्लिक also, G A R L I C गार्लिक ठीक है और स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लिख सकते हैं चीकू चीकू की सरफेस भी क्या होती है खुरदुरी होती है सो राइट डाउन C H I K O O चीकू ओके now i am repeating students some fruits and vegetables okay uh, vegetables are smooth to touch okay so that is banana spinach tomato plum grapes and we can also add apple also okay students apple all right banana spinach tomato plum grapes and apple and the rough surface students pineapple pear all right carrot ginger कुम्बर गार्ड ओके स्टूडेंट्स गार्ड जो होती है गार्ड हम नहीं लिखेंगे ओके okay, गार्ड क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है बहुत सॉफ्ट होती है सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ गार्ड हम दूसरा वेजिटेबल्स यहाँ पर डाल देंगे जस्ट लाइक like, कोई भी वेजिटेबल्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं दैट इज हम कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं ठीक है और रफ़ सरफेस कौन से फ्रूट्स की रफ़ सरफेस होती है पेयर की होती है और कैबेज इसकी भी होती है एंड चीकू कुकुम्बस पेनेज पोटैटो ओके और रफ़ सरफेस में हम स्टूडेंट्स पम्पकिन का नाम डाल देते हैं ओके सो राइट डाउन पी यू एम पी K I N pumpkin, और राइट गार्ड का नाम हम यहाँ डाल देंगे क्योंकि उसकी वो टच करने में बहुत ही सॉफ्ट होता है ओके सो so, गार्ड हम यहाँ डाल देंगे एंड इन प्लेस ऑफ गार्ड हेयर वी विल एड पम्पकिन पंपकिन मीन्स कथ ओके नाउ नेक्स्ट पेज नाउ हेयर आर सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेट्स सी विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएसट टू है कैरी ओके राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोट बुक तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि कौन सी सब्जी डू यू फाइंड आप बताइए कौन सी सब्जी हैवियस्ट टू कैरी जिसको पकड़ने में या जिसको उठाने में कैरी करने में आपको भारी लगती है तो आपको किसी एक फल या सब्जी का नाम बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है आपको सिर्फ वेजिटेबल्स आप बताइए हेयर रिटर्न ओनली वेजिटेबल्स सो विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द दस्ट टू कैरी ओके तो कौन सी सब्जी पकड़ने में उठाने में बहुत भारी होती है उसका नाम आप लिखिए जो तुम्हें उठाने में बहुत भारी लगती है ऑल राइट राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन यूर नोटबुक अब आपको उस वेजिटेबल का नाम लिखना है और उसका चित्र भी अपनी कॉपी में बनाना है ओके स्टूडेंट्स सो याद रखिए स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ इन ड्रॉइंग पेपर ऑल राइट तो आप उसे अनरूल पेपर पर ड्रॉ करिए और उसको कलेक्शन उसका रखिए ड्रॉइंग वर्क का वेन वी विल स्टार्ट अवर राइटिंग

raw pumpkin okay now next question which is the lightest fruit or vegetable that you have eaten राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन यूर नोटबुक अब इस स्टूडेंट्स आपको जस्ट इसके अपोजिट बताना है विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल ठीक है कौन सी सबसे हल्की फ्रूट फल या सब्जी होती है दैट यू हैव इटन जिसे आप खाते हैं ठीक है तो मीन्स कि तुमने जो फल और सब्जियाँ खाई हैं तो उनमें से सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है ओके एंड यू हैव टू राइट इट्स नेम आपको उसका नाम लिखना है एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक और अपनी कॉपी में उसका चित्र भी बनाइए ओके स्टूडेंट्स तो अगर हम बात करें लाइटेस्ट वेट की ठीक है स्टूडेंट लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल्स का तो स्टूडेंट्स अगर हम लाइटेस्ट फ्रूट की बात करें दैट इज़ अ ग्रेप्स ग्रेप्स क्या होता है बहुत ही हल्का फ्रूट होता है है ना उसे हम ईजिली कैरी कर लेते हैं और अगर लाइटेस्ट वेजिटेबल की बात करें स्टूडेंट्स तो ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी लाइटेस्ट होती हैं जस्ट लाइक स्पेनिज ठीक है एंड मस्टर्ड ओके तो सरसों के पत्ते की सब्जी और uh, हम कह सकते हैं मेथी की भी सब्जी मेथी के पत्ते की सब्जी और uh, सबसे ज्यादा स्पेनिज पालक की सब्जी क्या होती बहुत ही लाइट वेट होती है और उस हम उसे इजिली कैरी कर सकते हैं ओके सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट नेम स्पेनिच एंड यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्पेनिज ओके तो आप इस पिक्चर को तैयार रखिए पालक का पालक की पत्ती का आपको पिक्चर तैयार करना है और उसके आगे स्पेनिच लिखिए एंड वेन यू विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर देन यू विल पेस्ट फर्स्ट यू विल राइट क्वेश्चन आफ्टर डाउन साइड दिस क्वेश्चन यू विल पेस्ट द पिक्चर ऑफ स्पेनिच एंड हेयर यू विल पेस्ट द पिक्चर ऑफ पम्पकिंगटिंग ओके Now, next question, students write names of three vegetables which do not have seeds. Okay, most uh, important question and very interesting question. ओके स्टूडेंट्स सो आपको यहाँ पर तीन ऐसी वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जिनमें बीज नहीं होते जिनमें सीड्स नहीं होते तो स्टूडेंट्स आप बहुत सारी वेजिटेबल्स हर दिन खाते हैं तो सोचिए और फाइंड आउट करिए कि कौन सी ऐसी तीन वेजिटेबल्स हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं ठीक है आई नो स्टूडेंट्स आई एम वेरी श्योर कि आपके पास इसका आंसर होगा ओके सो लेट मी टेल यू पोटैटो में स्टूडेंट सीट नहीं होता ओके सो यू कैन राइट पोटैटो पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो ओके स्टूडेंट्स एंड सेकेंड वेजिटेबल दैट इज़ अनियन ओके सो राइट ओ एन आई ओ एंड अनियन ओके एंड थर्ड आप स्टूडेंट्स कैबेज बोल सकते हैं ठीक है और कैबेज uh, के अलावा आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कई और वेजिटेबल्स uh, होती है जैसे स्पेनिज पालक की सब्जी में भी सीड नहीं होता है न सो हेयर यू विल राइट कैबेज पत्ता गोभी में सीट नहीं होता ओके सी ए बी बी ए जी ई बाकी कुछ वेजिटेबल्स मैक्सिमम वेजिटेबल्स में सीड होते लाइक पी ब्रेंजर कैप्सिकम ओके okay, तो इनमें क्या होता है सीड्स होते हैं तो पोटैटो अनियन और कैबेज में सीड्स या बीज नहीं होते ऑल राइट स्टूडेंट्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिल इन द टेबल गिवन बिलो ऑलराइट राइट यू कैन एड थ्री मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल दी गई है नीचे यू कैन ऐड थ्री मोर नेम्स आपको इसमें तीन और नाम ऐड करने हैं एंड फिल इन द टेबल और फिर इस तालिका को आपको इस टेबल को आपको फिल करना है ओके थ्री नेम्स ऑलरेडी गिवन नेम्स यू हैव टू मैंशन इन दिस टेबल गेटिंग ओके Now apple, banana and potato. ओके सो वी हैव टू फिल द कलर ऑफ़ एप्पल बनाना एंड पोटैटो अब हमें स्टूडेंट्स एप्पल बनाना और पोटैटो का कलर लिखना है उसकी लंबाई जो जनरली उसकी लंबाई होती है लेंथ लिखनी है वेट ऑलरेडी हेयर गिवन एंड प्राइस हमें लिखना है हमारी सिटी में क्या उसके प्राइस होते हैं ठीक है प्राइस थोड़ा लिटिल बेट डिफरेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अलग अलग जगहों पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप डाउन वेजिटेबल्स सन फ्रूट्स में होता है सो स्टार्ट स्टूडेंट्स एप्पल ओके द कलर ऑफ एप्पल एवरी स्टूडेंट्स नो ओके दैट इज द रेड कलर ओके सो राइट डाउन रेड ओके द कलर ऑफ द एप्पल रेड एंड द लेंथ लेंथ स्टूडेंट्स एप्पल की जो जनरली लेंथ होती है दैट इज फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि हर एप्पल की फाइव सेंटीमीटर हो बट जनरली फ़ाइव सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है इससे छोटा और बड़ा एप्पल भी होता है ओके एंड वेट हेयर ऑलरेडी गिवन वन अपॉइंट टू ओके एंड प्राइस प्राइस स्टूडेंट्स एप्पल के जो प्राइस हैं वो क्या रुपीज़ होते हैं वे होता है स्टूडेंट्स एट्टी टू हंड्रेड अगर हम अपने सिटी की बात करें तो यहाँ पर एप्पल के प्राइस क्या हैं एटी और हंड्रेड रुपीज़ पर के जी सो यू कैन राइट हेयर हंड्रेड पर के जी ओके हंड्रेड पर किलोग्राम और राइट बनाना स्टूडेंट्स नाउ वट इज द कलर ऑफ बनाना ऑफकोर्स दैट इज येलो सो राइट डाउन वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू येलो ओके एंड द लेंथ ऑफ बनाना स्टूडेंट्स इट्स अ ऑलमोस्ट फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है तो इसका ऐसा नहीं कि हर एक बनाना की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो किसी की 12 भी हो सकती है किसी की 15 किसी की 18 भी हो सकती है बड़े बनाना भी मार्केट में मिलते हैं ओके एंड वन डजन वेट इसका क्या होता है वन डज़न तो स्टूडेंट्स हेयर हाफ किलो वेट का हमें प्राइस लिखना है तो हंड्रेड के की जगह हम यहाँ पर फिफ्टी के लिख देंगे और राइट right, क्योंकि हमें इसका कितना कितना प्राइस लिखना है हाफ के जी का हमें प्राइस लिखना है सो so हेयर यहाँ पे हमने हंड्रेड रुपीज़ पर के जी लिख दिया तो हम इसका लिख देंगे फिफ्टी रुपीज तो हंड्रेड का अगर वन के जी है तो हाफ कितना हो जाएगा फिफ्टी रुपीज ओके फिफ्टी रुपीज एंड येलो फिफ्टीन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बनाना ओके एंड वन डजन ठीक है कॉस्ट ऑफ वन डजन बनाना मीन्स कि एक दर्जन केले की कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स अगर हम अपने सिटी की बात करें दैट इज़ अ फिफ्टी रुपीज़ डजन ओके सो Write down 50 dozen. Okay. Now, here about potato. Now, what is the color of potato, students? Of course, it's a um, light brown color. Okay. Yes, it's color of light brown. Okay. color ka banana hota So, write down light brown. B R O W N. Alright. And the length of uh, potato, it's a 5 centimeter. Okay. स्टूडेंट्स थ्री सेंटीमीटर का भी पोटैटो हो सकता है टू सेंटीमीटर का भी बहुत छोटा पोटैटो हो सकता है बट जनरली जो मीडियम साइज का पोटैटो होता है वो फाइव सेंटीमीटर लेंथ का होता है एंड द वेट हाफ के जी पोटैटो तो स्टूडेंट्स आलू क्या भाव हमारी सिटी में मिलते हैं दैट इज़ अ ट्वेंटी रुपीज़ और थर्टी रुपीज़ के जी तो हाफ़ किलो कितने का हो जाएगा थर्टी के अकॉर्डिंग दैट इज़ अ फिफ्टीन रुपीज़ All right, because here we have to write the price of half kilo potato. Okay, now here students three space and we have to fill another um, put uh, vegetables name or fruits name. So we can add here mango first one M-A-N-G-O mango second one ladyfinger ladyfinger. एंड स्ट्रॉबेरी वी कैन राइट ठीक है या yeah, स्ट्रॉबेरी कर लेंगे हम स्टूडेंट्स या फिर हम यहाँ पर ओके uh, स्ट्रॉबेरी okay, कर लेते हैं ठीक है आप सब लोगों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होती है सो चलिए स्ट्रॉबेरी हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रॉ बेरी ऑल राइट सो स्टूडेंट्स कलर ऑफ मैंगो ऑफकोर्स येल्लो ओके एक्जैक्टली इट्स अ येलो कलर एंड द साइज ऑफ मैंगो स्टूडेंट्स मैंगो का साइज एप्पल और पोटैटो uh, से थोड़ा सा बड़ा होता है होता है ना सो वी कैन राइट ये सेवन सेंटीमीटर ऑल राइट एंड द वेट वेट हम देख देंगे स्टूडेंट्स अगर हम हाफ किलो का वेट कर देंगे तो प्राइस ऑफ मैंगो हाफ किलो सो जनरली स्टूडेंट्स फिफ्टी रुपीज के जी मैंगो मिलते हैं मार्केट में सीजन में ओके okay, तो हम फिफ्टी का हाफ कर लेंगे ट्वेंटी फाइव रुपी ओके नाउ लेडी फिंगर कलर ऑफ लेडी फिंगर ऑफकोर्स दैट इज ग्रीन जी आर ई एंड ग्रीन एंड द साइज और लेंथ ऑफ लेडी फिंगर दैट इज स्टूडेंट्स टेन सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर ऑल राइट तो हम टेन लिख देते हैं जो मीडियम साइज की लेडी फिंगर होती है उसका लेंथ जो होता है दैट इज़ टेन सेंटीमीटर ओके एंड द वेट ऑफ लेडी फिंगर स्टूडेंट्स यस वन पॉइंट टू का ही हम यहाँ पर कर लेते हैं वन पॉइंट टू किलो ओके एंड द जो लेडी फिंगर होती है स्टूडेंट्स वे फोर्टी रुपीज़ के जी समथिंग मिलती है तो हाफ के जी कितने का हो जाएगा स्टूडेंट्स फोर्टी डिवाइडेड बाई टू दैट इज़ अ ट्वेंटी रुपीज़ राइट नाउ स्ट्रॉबेरी ओके वेरी यमी यमी फ्रूट इट्स अलर ऑफ स्ट्रॉबेरी वेरी ब्राइट रेड ओके इसका कलर क्या होता है रेड एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रॉबेरी स्टूडेंट्स ये बहुत स्मॉल होती है समथिंग थ्री सेंटीमीटर मीडियम साइज स्ट्रॉबेरी एंड वेट अगर हम वेट करें इसका वन पॉइंट टू के जी का अगर हम ले लें हाफ के जी का अगर हम वेट करें स्टूडेंट्स सो दैट इज़ ये मार्केट में मिलती है स्टूडेंट समथिंग वन फिफ्टी या टू हंड्रेड रुपीज़ ओके वन फिफ्टी वन एटी टू हंड्रेड तो थोड़ा सा इसके प्राइस थोड़ा लिटिल डिफ्रेंस होता है प्राइजेस में ठीक है तो अगर हम अकॉर्डिंगली uh, अगर इसका स्ट्रॉबेरी का अगर हम देखें अगर हम इसको मान लें वन फिफ्टी रुपीज़ के जी तो इसका हाफ़ के जी कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव रुपीज़ ऑल राइट स्टूडेंट्स तो इसकी इट इज नॉट नेसेसरी यू विल राइट ओनली और यू विल ऐड ओनली मैंगो लेडी मैंगो लेडी फिंगर एंड स्ट्रॉबेरी यू कैन मैंसन यूअर फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेयर ओकेट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स टॉक विथ अ वेजिटेबल सैलर इन यूर एरिया आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोट बुक ओके टॉक विथ वेजिटेबल seller इन your एरिया आपको अपने क्षेत्र में अपने इलाके में वेजिटेबल सेलर मीन से स्टूडेंट सब्जी बेचने वाले ठीक है तो किसी सब्जी विक्रेता से आपको बात करनी है आप अपने इलाके में के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बात करिए आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्न उनसे पूछिए एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक और अपनी कॉपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाइए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड Answer. So, let us see, students, what is the question we have to ask? Okay. सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स वट इज़ हिज़ और हर नेम ठीक है तो वो जो वेजिटेबल सेलर है वो लेडी है या फिर जेंट्स है महिला या पुरुष जो भी है उसका नाम आपको पूछना है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस उसके घर में कितने मेंबर रहते हैं कितने लोग रहते हैं हाउ मैनी चिल्ड्रन्स आर देयर एट होम और उनके घर में कितने बच्चे हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है स्टूडेंट्स वट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रेन उन बच्चों के नाम क्या हैं हाउ ओल्ड आर दे और वे कितनी उम्र के हैं कितनी एज के वो हैं तो ये भी स्टूडेंट्स आपको पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स एक क्वेश्चन और पूछना है कि वेजिटेबल सेलिंग में मीन्स की सब्जी बेचने में उनकी कौन कौन मदद करते हैं उनकी फैमिली में उनके फ्रेंड्स या उनके फैमिली में या बच्चे कौन कौन सब्जी बेचने में उनकी मदद करते हैं तो ये भी आपको वेजिटेबल सेलर से पूछना है ओके okay. Now, next question students who all stay with the vegetable cart or sit in the shop? Okay. हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और कौन उस वेजिटेबल कार्ट में जो रेड़ी होती है जो हाथ गाड़ी होती है जिसमें रख कर सब्जियों को रख कर वे हाथ से खींच कर उस गाड़ी को इधर से उधर ले जाते हैं अपनी सब्जी बेचने के लिए जिसे हम ठेला बोलते हैं तो ठेला या रेड़ी या दुकान पर उनके अलावा दुकान पर कौन कौन बैठते हैं तो ये भी आप उनसे पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है स्टूडेंट्स व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल ठीक है तो वे अपनी ठेले गाड़ी में या अपनी हाथ गाड़ी में वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछना है स्टूडेंट्स व्हाट टाइम टू दे स्टार्ट वर्क ओके वे कितने बजे से अपना काम शुरू करते हैं सब्जी बेचने का ठीक है मीन I mean, सब्जी बेचने के लिए पहले वो कितने बजे उठते हैं कब वो सब्जियाँ लाते हैं मंडी से कब अपनी रेड़ी में लगाते हैं तो आपको उनका स्टार्टिंग वर्क पूछना है ठीक है वे कितने बजे से काम शुरू करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर हाउ मैनी आर्स इन अ डे डू दे वर्क और आपको पूछना है कि हाउ मैनी आर्स कितने घंटे इन अ डे दिन में डू दे वर्क वे काम करते हैं मीन्स कि वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं ओके okay? वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं तो ये भी आप उनसे पूछिए नाउ लास्ट क्वेश्चन जो आपको उनसे पूछना है आस्क दैम अबाउट एनी थ्री वेजिटेबल्स दैट दे सेल ओके okay, अब आपको बताना है जितनी सब्जियां उन्होंने बताया कि वे वहां पर बेचते हैं तो उनसे तीन सब्जियों के बारे में कुछ बातें आप पता करो ठीक है और वे चीजें क्या पता करनी है स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल को भी आप अपनी रिपोर्ट बुक में बनाएंगे और उनसे पूछ के इन क्वेश्चन को आप लिखेंगे और टेबल को फिल करेंगे ओके और आपको ये क्या बनानी है रिपोर्ट बनानी है तो पहला क्वेश्चन जो आपको उनसे पूछना है किसी भी तीन वेजिटेबल्स की जो उनकी गाड़ी में रखी हुई है उनकी जो दुकान पर तीन वेजिटेबल्स कोई भी आप चूज करिए सेलेक्ट करिए और उसके बाद उनसे पूछिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स नेम ऑफ़ द वेजिटेबल तो पहली वेजिटेबल आपने कौन सी सेलेक्ट की दूसरी कौन सी करी तीसरी कौन सी करी फिर आपको पूछना है स्टूडेंट्स द प्राइस ऑफ वेजिटेबल ठीक है अब आपको पूछना है कि सब्जी के क्या प्राइस हैं वेजिटेबल वन सपोज पोटैटो है वेजिटेबल टू अगर सपोज कैबेज है एंड वेजिटेबल थ्री लेडी फिंगर है तो पोटैटो का प्राइस क्या है आप यहाँ पर लिखिए एंड uh, कॉलीफ्लावर का प्राइस क्या है आप यहाँ पर लिखिए एंड थर्ड वेजिटेबल्स ब्रिंजल या जो भी आपने वेजिटेबल्स कही उसका क्या प्राइस है वो भी आपको लिखना है ओके okay. फिर आपको थर्ड क्वेश्चन जो तीनों वेजिटेबल्स के लिए पूछना है दैट इज वेयर डज इट कम फ्रॉम कि ये वेजिटेबल कहाँ से आती है वेजिटेबल वन वेजिटेबल टू एंड वेजिटेबल थ्री ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाई एट वन टाइम अब आपको पूछना है कि जो वेजिटेबल वन वेजिटेबल टू और वेजिटेबल थ्री है तो एक बार में वे कितनी सब्जी खरीदते हैं क्योंकि उनके पास तो छोटी सी दुकान होती है और हाथ गाड़ी होती है तो अगर वह लेडी फिंगर ले रहे हैं तो वो दस किलो एक बार में लेते हैं या बीस किलो लेते हैं या तीस किलो लेते हैं ठीक है तो अमाउंट आपको इन वेजिटेबल्स का उनसे पूछना है नाउ लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजली कम और आपको उनसे ये भी पूछना है जो आपने तीन वेजिटेबल सेलेक्ट की हैं तो उन वेजिटेबल्स के लिए आपको पूछना है कि ये तीनों वेजिटेबल किन महीनों में ज़्यादा आती हैं ठीक है जैसे कि हम पोटैटो हम बात करें तो पोटैटो तो हर आ, पूरे साल भर हमें अवेलेबल रहता है, है ना पोटैटो बस उसके प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है अदरवाइज़ पोटैटो साल भर सभी महीनों में मिलता है अगर हम बात करें लेडी फिंगर तो लेडी फिंगर पूरे साल भर स्टूडेंट्स नहीं मिलती है है ना तो वो कौन से महीनों में सबसे ज़्यादा आता है आपको ये लिखना है वेजिटेबल थ्री अगर हम बात करते हैं किसी ग्रीन वेजिटेबल की लाइक स्पेनिज पालक या मेथी या फिर मस्त तो ये वेजिटेबल्स आपको मालूम होगा हमें मालूम है कि ये विंटर्स में ज़्यादा मिलती हैं ओके okay, तो ये विंटर्स में ज्यादा आती है और समर में हमें नहीं मिल पाती ठीक है तो ऐसे ही आप जो भी वेजिटेबल सेलेक्ट करेंगे उनसे पूछेंगे और उन वेजिटेबल्स के बारे में जो भी ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इन क्वेश्चन को आप लिखेंगे और इस टेबल को फिल करेंगे इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं जैसे कि वट इज़ और हर नेम